वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। आरपीआई उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष यानी कि छायाताई खंडागले की अगुवाई में तमाम बौद्ध समाज की महिलाओं ने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाला। गौरतलब हो कि 18 मार्च को अंधेरी पूर्व के एक इमारत में कार्यरत महिला सुरक्षा कर्मी कुमारी शिल्पा उबाले के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया था, जहां कपड़े फाड़ने के आरोप कपिलेश्वर कामत के खिलाफ पीड़िता ने लगाया था, लेकिन मामले की शिकायत पुलिस ने उस समय दर्ज नहीं किया था। वहीं मंगलवार को आरपीआई की तमाम महिला नेताओं ने दखल देने के बाद एमआईडीसी पुलिस ने कुमारी शिल्पा उबाले की शिकायत पर कपिलेश्वर कामत के खिलाफ धारा 354, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मैं बाउंसर हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ था। एक आदमी था कल्पेश्वर, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और मुझे गाली दे रहा था। तो मैंने उनको कहा कि अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए, सर आप अंदर मत जाइए। तभी भी उन्होंने गंदी गाली दी मुझे और थप्पड़ मारा और साइड पे ऐसा ढकल दिया मुझे। फिर उधर मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं था, एक राहुल मोरिया करके मेरे हेल्प के लिए थे। फिर उन्होंने मुझे पुलिस चौकी में बुलाया, फिर कंप्लेंट की हमने, फिर उन्होंने भी कंप्लेंट पीछे ली और मुझे भी कंप्लेंट पीछे लेने के लिए बोला। फिर 8 दिन के बाद उन्होंने कंप्लेंट की तो फिर मुझे भी लगा कि मैं भी कंप्लेंट करूँ फिर से, क्योंकि मेरे साथ भी अन्याय हुआ था। फिर मैं फिर से कंप्लेंट करने आई, मेरी कंप्लेंट ही नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे 2-3 दिन के बाद आओ, ऐसा करो वैसा करो। पर छाया था खंडागले मेरे साथ थी, इन्होंने मुझे बहुत मदद की, इनके वजह से मेरी कंप्लेंट ली और उनके ऊपर केस हो गए। महिलांच्या बाबतीमध्ये कमी पडते, महिलेला न्याय मिळून देत नाही आहे। ही महिला आहे, 18 तारखेला याच्यावरती जो हल्ला झाला होता, एका पुरुषाने त्याच्यावरती हल्ला केला होता, तिला मारहाण केली, तिला शिवीगाळ केली व तिचे कपडे वगैरे काय फाडले होते।